हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। बदलते मौसम में बच्चे को सर्दी जुखाम होना एक आम बात है। बच्चे को सर्दी जुखाम माना जाता है कि 2 साल तक लगभग 8 से 10 बार होता ही होता है। तो बच्चे के सर्दी जुखाम के समय माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस समय बच्चा ना तो दूध पीता है ढंग से, ना ही कुछ खा पाता है, उसकी नाक एकदम ब्लॉक हो जाती है। बच्चे का जुखाम मुंह, नाक, गले का इन्फेक्शन है, जो कि अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से होता है। बच्चों को इसलिए सर्दी जुखाम ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिससे कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी जुखाम हुआ है बच्चे के आसपास आता है तो बच्चे बहुत जल्दी सर्दी जुखाम कैच कर लेते हैं। इससे बच्चों की नाक ब्लॉक हो जाती है, जिससे दूध पीने तक में बच्चों को दिक्कत हो जाती है। इसलिए उस केस में आप बच्चे के सिर को थोड़ा ऊपर रखिए, टॉबल को फोल्ड करके बच्चों के सिर के नीचे लगा सकते हैं, जिससे बच्चे का सिर थोड़ा ऊपर रहेगा, उसे सांस लेने में कम दिक्कत होगी। अगर आप तकिए को बच्चों के सिर के नीचे लगाएंगे तो बच्चे का सिर काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, जो भी अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। इसलिए टॉवल को फोल्ड करके या कुछ मोटे कपड़े को फोल्ड करके ही बच्चे के सिर के नीचे लगाइए, इससे बच्चे को प्रॉपर सांस आएगी। तो अब बात करते हैं कि बच्चे की सर्दी जुकाम को कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चे को हल्दी वाला दूध दीजिए। हल्दी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक होती है और ये सर्दी जुकाम को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर बच्चा गाय का दूध पी रहा है तो उसमें आप हल्दी मिला के बच्चे को पिला सकते हैं। बच्चा फॉर्मुला मिल्क ले रहा है तो भी आप उसे हल्दी मिला के पिला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को नमक वाला पानी पिलाएं। ये पानी बलगम को बहुत जल्दी बच्चे के ठीक कर देता है। इसे दिन में 2 से 3 बार तक बच्चे को पिला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जायफल का पेस्ट बनाइए। जायफल को चकले पे घिस के हल्का सा पानी डालकर एक पेस्ट बना लीजिए, जो बच्चे के सीने और माथे पे लगा दीजिए। ये भी बच्चे के सर्दी जुखाम को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए। ये बच्चे के सर्दी जुकाम के लिए एक ऑटोमेटिक रेमेडी होती है। बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए, उसे खूब पानी पिलाइए। हल्का गुनगुना पानी भी बच्चे को दे सकते हैं, जिससे बच्चे के गले में आराम मिलेगा। पानी 6 मंथ से ऊपर के बच्चे को ही देना है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।